नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एस्ट्रोलॉजिकल गुरुजी में। और हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में ही बेल आइकन को दबाएं, जिससे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट, हमेशा स्वस्थ रहें। हमेशा स्वस्थ रहना मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा वरदान होता है। जो मनुष्य ज्यादा से ज्यादा समय बीमारियों की गिरफ्त में रहते हैं, उसे कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बीमार मनुष्य कोई भी काम ठीक से नहीं कर पाता। ऐसे मनुष्य को अपने शरीर के साथ साथ धन का भी नुकसान उठाना पड़ता है। इसलिए कहा जाता है कि बीमारियों से बचे रहना सबसे बड़ा सुख होता है। तो दोस्तों, सेकेंड पॉइंट, किसी से भी उधार ना लेना। मनुष्य को अपने आय के अनुसार ही अपनी इच्छा रखनी चाहिए। कई लोगों का मन बस में नहीं होता, वे अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए दूसरों से उधार ले लेते हैं। दूसरों से पैसा उधार लेकर पाई गई सुविधाएं कभी सुख नहीं देती। कई बार लोग अपना बिया हुआ कर्जा चुका नहीं पाते और अपने साथ साथ अपने परिवार को भी परेशानियों में डाल देते हैं। जो मनुष्य हमेशा कर्ज से बचा रहता है, वो हमेशा सुखी रहता है। और दोस्तों, तीसरा पॉइंट, अच्छे लोगों की संगति। जो मनुष्य अच्छे और विद्वान लोगों की दोस्ती रखता है, उसके साथ समय बिताता है, वह बहुत सुखी माना जाता है। बुरे लोगों की संगति का परिणाम भी बुरा ही होता है। जो मनुष्य दुष्ट और हिंसक लोगों के साथ मेल मिलाप रखता है, उसे आगे चलकर कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए जिसकी दोस्ती अच्छे लोगों के साथ होती है, वे बहुत सुखी रहते हैं। दोस्तों, चौथा पॉइंट, जीवन यापन के लिए किसी पर निर्भर ना होना। जो मनुष्य अपना और अपने परिवार का जीवन यापन करने के लिए खुद धन कमाने के काबिल होता है, वह बहुत सुखी माना जाता है। कई लोग अपना जीवन चलाने के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं। ऐसे लोगों का ना तो स्वाभिमान होता है, ना है दूसरों के नजर में सम्मान। इसलिए जो खुद मेहनत करके अपना जीवन चलाता हो, उसे सुखी माना जाता है। तो दोस्तों, ये चार काम करने वाला जीवन भर खुश रहता है। अगर आपका कोई सवाल है तो आप मुझे कॉमेंट करके पूछ सकते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।